नमस्कार। 40 की उम्र तक आते आते आपको अपनी लाइफ के ये काम जरूर कर देना, वरना जब आपके पास समय निकल जाएगा, जब आपकी एज 60-70 के समथिंग आ जाएगी, तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता। कुछ ऐसी बातें हैं जो 40 तक आपको नोट करनी होगी और संभलना होगा, वरना तो आपकी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है ना, वो मुश्किल में गुजर सकती है। अगर 40 तक अपनी लाइफ में इन बातों को आपने फॉलो कर लिया, तो आपकी आने वाली लाइफ आपके लिए अच्छी गुजर सकती है। ठीक है, आपने 40 से पहले खूब ऐश मौज आराम मौज मस्ती कर ली, लेकिन अब आपको संभलना होगा। अब आपकी लाइफ के लिए वो लाइफ नहीं है जो आपकी 40 से पहले गुजरी है। अब आपकी लाइफ में स्थिरता आएगी, अब आपका शरीर पहले जैसा नहीं होगा, अब आपकी बॉडी पहले जैसी नहीं होगी, अब आपको संभलना होगा। कुछ ऐसे काम हैं आपकी लाइफ के जो आपको करने होंगे, वरना पहले तो आपने अच्छी जिंदगी गुजार ली, लेकिन 40 के बाद आपको संभलना होगा, नहीं तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो 40 तक आपको कर लेनी होगी? अगर इस वक्त अगर इन बातों को आपने नहीं किया, तो आगे आपके लिए मुश्किल हो सकती है। और वो बातें कौन सी हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर देना। ठीक है, आप 40 से पहले ठीक है, आप मौज मस्ती देते हो, कुछ भी अटम सटम खा लेते थे, हर चीज और आने दो खाने पर ध्यान नहीं रखते थे, कंट्रोल नहीं करते थे, अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अब ध्यान रखना, अब आपकी ऐसी एज नहीं है जो आप अटम सटम खाओ। हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर देना, हर साल अपना बॉडी चेकअप कराना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ऐसा ध्यान रखना। अगर 40 के बाद भी आप खान पीन पर ध्यान नहीं रखोगे, तो आने वाले टाइम में 50-60 साल की एज में आपको हो सकता है कि बीपी, शुगर और बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां हो सकती है कि आपको घर कर जाए। पहले 40 से पहले का आपकी बॉडी अलग होती है, हर चीज आपसे को एडजस्ट कर लेती है, आप जो खाओ वैसा आपको पचा लेती है, लेकिन 40 के बाद धीरे धीरे इंसान के अंग कमजोर पड़ते जाते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कमजोर पड़ने जाती है, आपका उत्साह, आपका उमंग, आपका जोश कमजोर होता जाता है, तो आपकी बॉडी भी कमजोर होती जाती है। तो आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर देना। अगर हेल्थ पर अभी से ध्यान नहीं दिया, तो समझ लेना कि आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। तरह तरह की डिजीज आपकी बॉडी में आ सकती है, इसीलिए 40 से पहले पहले जो आपने कर दिया, जो कर दिया कोई बात नहीं, खाने पीने और उठने बैठने में और आराम से जिंदगी जीने में, लेकिन 40 के बाद में आपको व्यवस्थित दिनचर्या करनी होगी, खान पीन का ध्यान रखना होगा, और आपको अपनी बॉडी के लिए योगा, फिटनेस और हेल्थ पर ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको फिर बाद में पछताना पड़ सकता है। सेकंड, वसीयत तो बना लेना 40 तक आते आते। हो सकते वसीयत तो पहले ही बना लेनी, लेकिन 40 तक आते आते अपनी वसीयत जरूर बना लेना। क्या पता आजकल जिंदगी का क्या भरोसा है, 45, 50, 60, 70 कभी भी इंसान जा सकता है, और जब आप बिना वसीयत के आप चले जाओगे, आपके बेटे आपकी बेटियां हो सकता है कि आपके पीछे युद्ध करें, लड़े के लिए, संपत्तियों के लिए। अधिकतर ध्यान रखना, अधिकतर लोग आजकल क्या कर रहे हैं, वसीयत बना के जा रहे हैं ताकि हम हमारे जाने के बाद हमारे बेटे बेटियां लड़ाई झगड़ा ना करें। आपने देखा होगा धीरूभाई अंबानी की जब डेथ होती है, तब दोनों भाई संपत्तियों के लिए, बटोरों के लिए, उनके लिए बातचीत होती है और नोकझोंक होती है। क्यों? क्योंकि धीरूभाई अंबानी जब वसीयत करके नहीं गए थे। तो आपको भी समय से पहले अपनी वसीयत करके जानी होगी, वरना तो क्या, आपके पीछे आपके बेटे आपकी बेटियां आपकी संपत्ति के लिए लड़ाएंगे, और उनके बीच में एक दरार पैदा होगी, एक दुश्मनी पैदा होगी। इसलिए 40 तक होते होते आप अपनी वसीयत जरूर बना ले, वरना आपके जाने के बाद में आपके परिवार में मुश्किलें शुरू हो जाएगी। 40 तक आते आते अपने कर्जे चुकाना शुरू कर दें। ध्यान रखना, 40 के बाद 60 में आपका रिटायरमेंट है, और रिटायरमेंट के वक्त भी अगर आपके कर्जे हैं, तो फिर आप चैन की सांस कैसे जियोगे, आप आराम से लाइफ कैसे जियोगे? रिटायरमेंट का सारा पैसा तो आपका कर्जे में चला जाएगा, फिर आप क्या करोगे?
तो 40 के बाद में 60, 40 और 60 के बीच में जितने हो सके अपने कर्जे चुका दे। रिटायरमेंट से पहले अपना कोई भी कर्जा न रखे। अगर आप रिटायरमेंट के वक्त भी कर्जे रखोगे तो आपकी फिर लाइफ मजे से कैसे कटेगी? आप पूरे जीवन भर दौड़ते रहे और आप लास्ट में जब आपकी एज रेस्ट करने की होगी, रिटायरमेंट होने की होगी, तब भी आप दौड़ते रहोगे अपने कर्जे चुकाने के लिए। मेरे मकान की किस्त चुकानी है, मेरी गाड़ी की किस्त चुकानी है, बच्चों का एजुकेशन लोन की किस्त चुकानी है, तो फिर आप क्या करोगे? जिस एज में आपको आराम से जिंदगी जीनी है, उस एज में भी आप किस्तों की भागदौड़ में लगे रहोगे? ऐसा मत करना। 40 के बाद आप 50 की एज तक अपने सारे कर्जे चुका ले और इस कर्जों से टेंशन फ्री रहे, वरना अगर आपके सिर पे कर्जों का बोझ बंडल रहेगा ना, तो आपकी लाइफ कभी भी सही नहीं होगी। आप चिंता में डूबे रहोगे, आपको एंजाइटी, बीपी, शुगर, तरह तरह की डिजीज हो सकती है चिंता से, टेंशन से। फोर्थ, ज्यादा बचत करना शुरू कर दे। ध्यान रखना, आजकल कोई किसी का नहीं है। आपका बेटा अभी आपको कितना ही प्यारा है। आप सोचते हो कि जब मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा तब मेरे बहू, मेरी बेटियां सब मेरी सेवा करेंगे। ये आज के टाइम में भूल जाना, कोई आपकी सेवा करने वाला नहीं है। जिसकी सेवा होगी वो किस्मत वाला होगा, लेकिन आपकी सेवा एक ही चीज करेंगे, पैसे। अगर आपके पास पैसा होगा ना, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, तो हर कोई आपके पीछे आएगा। आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी बेटियां आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। अगर आपका बैंक बैलेंस जीरो है, अगर आपके पास, मैं वास्तविकता और सत्यता की बात बता रहा हूं, मैं आपकी बैंक बैलेंस जीरो है और आपके पास कुछ भी पैसे नहीं है, आप बेटों से मांग रहे हो, आपने बेटियों से मांग रहे हो, तो कोई आपको इज्जत नहीं देगा, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा, कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो जब आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, जब आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो जब आप बीमार हो गए, आपकी सेवा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसीलिए 40 के बाद जितनी ज्यादा हो सके बचत करना शुरू कर दें, पैसे उड़ाना उड़ाना बंद कर दें। अगर जितनी ज्यादा बचत करोगे, यही बचत आपको रिटायरमेंट के वक्त काम आएगी, आपको अपनी वृद्धावस्था में यही बचत काम आएगी। कोई आपकी सेवा नहीं करेगा, लेकिन आप जिसे पैसा दोगे वो पैसा आपको सेवा करके दिलाएगा। इसलिए बचत करना शुरू कर दें। फिफ्थ, बीमा, इंश्योरेंस। अगर आपने, अब वैसे तो इंश्योरेंस शुरू में ही करा लेना चाहिए, लेकिन अभी तक आपने इंश्योरेंस नहीं कराया अपनी लाइफ के लिए, तो इंश्योरेंस करा दे। 40 के बाद तो बहुत ही जरूरी होता है इंश्योरेंस कराना। क्या पता कुछ भी हो जाए तो आपकी लाइफ, आपके पीछे जो आपके परिवार वाले हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपकी बहू है, उनके लिए तो स्ट्रॉन्ग लाइफ हो, उनको तो एक सहारा मिले। इसलिए 40 तक होते होते बीमा जरूर करा देना। तो ये 5 बातें आपको 40 तक जरूर कर लेना। अगर आप नहीं की ना, तो हो सकते है कि आपकी आने वाली लाइफ आपके लिए मुश्किल भरी हो। इसलिए 40 तक आते आते ये काम जरूर कर लेना आप।